हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल के किड्स ब्लॉग। एंड कुछ दिनों से मैं वीडियोस नहीं डाल पा रही थी बिकॉज ऑफ माय सम पर्सनल इश्यूज, और फिर बाद में मेरी दादी भी गुजर गई, सो दैट्स व्हाई। सो आज डालने का कुछ स्पेशल रीज़न है, तो यस, आज कुछ स्पेशल रीज़न है वीडियो डालने का। और आपसे आज से मैं हर दिन वीडियो डालूँगी, हर दिन नहीं, एटलीस्ट वीक में एक बार तो ज़रूर डालूँगी। और शॉर्ट वीडियोस तो हमारे चलते ही रहेंगे अभी कंटिन्यूसली, सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ये मत भूलना। ओके, सो आज का स्पेशल रीज़न, आपको वीडियो का ये देखे टाइटल देखे तो पता ही चला होगा कि आज स्पेशल क्या है। जी हाँ, कल मैं गई थी मेरे फ्रेंड्स के साथ फ्लेमिंगो देखने। सो वो एक्सपीरियंस क्या था वो सब कुछ आप इस वीडियो में देखने वाले हो। फ्लेमिंगो वहाँ उनका जो फ्लाई का जो ये रहता है बहुत, मतलब आई कांट एक्सप्लेन माय फीलिंग्स, वो बहुत ही अच्छा था। आप एक बार पूरा वीडियो देख लो और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको फ्लेमिंगोज पसंद है या नहीं, या फिर आपको कौन सा बर्ड पसंद है, जस्ट कमेंट डाउन बिलो। ओके, लेट्स एंजॉय द वीडियो। सो वहाँ पे जाते हैं, हमने पहले एक मैंडेटरी काम किया वो था फ़ोटोशूट करना, क्योंकि जहाँ भी जाओ फोटोशूट के बिना वो डेस्टिनेशन यादगार नहीं रहता, ऐसा हम सबका मानना है, ऐसे मेरे को लगता है। और फिर सेकंड था पेट पूजा, वो था नाथ ब्रह्मा इडली में, उनका बटन इडली बहुत ही स्पेशल था और बहुत ही अच्छा था उनका टेस्ट। और फिर बाद में हम लोग गए हमारे डेस्टिनेशन पे, सो वहाँ पे जाने के बाद देखा कि बहुत सारे फोटोग्राफर्स आए थे, उनका फोटो वो जो दिखा रहे थे फोटो वो एक अलग ही लेवल पे लेके जा रहे थे हम लोग को, मतलब बहुत ही एकदम सुकून भरा था। मैं इन दोनों के साथ गई थी और वहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा, मतलब बहुत ही शांति थी वहाँ पे। और फ्लेमिंगोज का वो फ्लाई करने का तरीका वगैरह, उनका टेक्निक वो कुछ अलग ही लेवल पे था। वीडियो मैं ऐसे वीडियो बना रही थी यहाँ पे इन लोग का, और फिर अचानक से ही बहुत सारे फ्लेमिंगोज एक साथ फ्लाई करने के लिए हवा में उड़ गए, और वो नज़ारा बहुत ही कमाल था, कमाल। आप देख सकते हो जब भी वो ऊपर जाते हैं वो बहुत ही अलग लेवल का रहता है, बहुत ही मस्त था वो। और जो वो झाड़ियों के बीच आते वो भी बहुत ही कमाल का था। यहाँ से वो चले गए जहाँ पे हम लोग नहीं जा सकते। फिर बाद में मैंने उन लोग का थोड़ा सा फोटोशूट वगैरह किया, जो हमेशा ही खाते रहते हैं वो लोग, सो उनका खाना देख के मुझे भी बहुत भूख लगी। सो आते आते हम लोग ने ना मंचूरियन खा लिया, और फिर यही था मेरा कल का व्लॉग। आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।